अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि द गॉड लाइफ मूवी के आने के बाद सऊदी अरब के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा जा रहा है। सऊदी नागरिकों के विचार में, उनके रवैये में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा जा रहा है और लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बता रहे हैं कि हम अपने वर्करों को कितना चाहते हैं, कितना मानते हैं। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर एक इमेज देख सकते हैं, यहाँ पर एक सऊदी नागरिक अपने हाथ से अपने वर्कर को खाना खिला रहा है, खस्ता खिला रहा है। वहीं पर एक इमेज और आप देख सकते हैं जहाँ पर एक इंडियन वर्कर सऊदियों के बीच बैठकर खाना खा रहा है और यहाँ पर इस इंडियन वर्कर को गले भी लगाया जा रहा है। जबकि यहाँ पर एक इमेज और आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं जहाँ पर जवाजात यानी सुरता बलदिया वालों के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, जूस वगैरह पी रहे हैं। इसके साथ एक इमेज और सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जहां पर एक चाचा को सफाई कर्मचारी, एक चाचा को सऊदी सर पर बोसा ले रहे हैं, उनको गले लगा रहे हैं। वहीं पर एक इमेज और सफाई कर्मचारी के आप देख सकते हैं जहाँ पर सऊदी नागरिकों के द्वारा उनको बोसा, इनके उनके सर पर बोसा लिया जा रहा है और उनको इतनी ज़्यादा इज्जत दी जा रही है। तो इस तरीके की पोस्ट सोशल मीडिया पर करके, और ये कुछ पोस्ट अभी की हैं, कुछ पुरानी हैं, जिसमें सऊदी नागरिक ये कह रहे हैं कि हम वर्करों को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले भी वर्कर को चाहा नहीं जाता था, पहले भी चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसे नागरिक थे, सऊदी नागरिक, जो कि वर्करों को उतनी ज़्यादा इज्जत नहीं देते थे जितना वो इज्जत के हकदार थे। लेकिन अब इस मूवी के आने के बाद वर्करों की काफ़ी ज़्यादा इज्जत लोग करने लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है लोगों के विचार में। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, अपनी राय का इजहार जरूर करें। आपका जो कफील है या आपकी जिस कंपनी में काम करते हैं, क्या कुछ बदलाव आपने देखा या नहीं देखा, प्लीज़ अपनी राय का आप इजहार जरूर करें। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि द गॉड लाइफ के रियल हीरो नजीब, जिनको इंडिया में मौजूद सऊदी एम्बेसी के दूतावास की तरफ से सऊदी जाने के लिए आमंत्रित किया गया, यानी सऊदी विजिट करने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने बताया कि उन्हें सऊदी अरब क्यों आमंत्रित किया जा रहा है, क्यों बुलाया जा रहा है, कारण नहीं बताया गया, जिसकी वजह से उन्होंने इस दौरे को करने से, यानी कि सऊदी अरब आने से मना कर दिया है। इसके आप सामने स्क्रीन पर अपडेट देख सकते हैं। अगली अपडेट यह है कि सऊदी अरब के अल हस्ता के इलाके में एक इंडियन नागरिक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये रास्ता भूल गया और रेगिस्तान में खो गया, भटक गया, जिसकी वजह से गर्मी से इसकी जान चली गई। इसका एक और साथी था, उसकी भी जान चली गई है। इसका नाम शहबाज खान बताया जा रहा है और इंडिया के ये तेलंगाना से है, उम्र 27 साल बताई जा रही है। और ये अलहसा में टावर बन रहा है, उसमें ये तकनीशियन के तौर पर काम कर रहा था और ये अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है कि अचानक जो इसके मोबाइल का GPS बंद हो जाता है और उसके बाद ये रास्ता भटक जाता है और रेगिस्तान में खो जाता है, जिसके बाद वहाँ पानी वगैरह, खाना वगैरह ना मिलने से इसकी दुखद मौत हो जाती है। इसका एक और साथी रहता है, उसकी भी मौत हो जाती है। तो एक काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक खबर ये सामने आ रही है।